27 लोगों की जान चली गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्रियों को राजनीति करने से कोई फुर्सत नहीं है। वे अपनी राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें दिल्ली वालों को कोई चिंता नहीं है। मुंडका में हुई भीषण आगजनी की घटना दिल्ली सरकार के फायर विभाग की नाकामियों का जीता जागता उदाहरण है। फायर विभाग के पास पर्याप्त व्यवस्था न होने से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत देर तक शुरू नहीं हो पाया, और शुरू होने के बाद भी आग बुझाने पर काफी देर बाद काबू पाया गया, जिससे निर्दोष लोगों की जान चली गई, यह कहना है भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का। जी हां, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार और मैं आरके जायसवाल। दिल्ली मुंडका में घटित हृदय विदारक घटना दिल झकझोरने वाली घटना है। दिल्ली फायर विभाग की दयनीय स्थिति का यह हाल है कि न ही घटनास्थल पर समय पर सीढ़ी उपलब्ध हो पाई और न ही क्रेन आ पाई। अगर समय पर क्रेन आ जाती तो लोगों को छत से कूदने की नौबत नहीं आती। आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ अब दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह की घटना दिल्ली में बार बार होती है, लेकिन अफसोस कि इन घटनाओं से केजरीवाल सरकार कोई सबक नहीं लेती। आज दिल्ली सरकार का फायर विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वह पैसे लेकर बिना किसी जांच के फायर का एनओसी दे देते हैं, उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाए। फायर विभाग दिल्ली के अंदर ऐसे तमाम इलाकों को चिन्हित कर फायर सेफ्टी सुनिश्चित करे। एनओसी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति किया जाता रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और यहां का फायर सर्विस आधुनिक पुनरावृत्ति से परिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन आज भी पुराने जमाने की मशीनों से काम चलाया जा रहा है। उस मकान में जनरेटर का चलना भी दिल्ली सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि सरकार बिजली की आपूर्ति तक नहीं कर पा रही है। बिल्डिंग को एनओसी मिली थी या नहीं, इसका जवाब फायर विभाग बताएगा, लेकिन निगम के आयुक्त ने एक जांच कमेटी बनाई है और अगले 48 घंटे में जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी ने केजरीवाल सरकार से मांग करते हुए कहा है कि मुंडका अग्निकांड की हाईकोर्ट के किसी सीटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाए। उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी देरी से पहुंचने, बिल्डिंग के फायर क्लियरेंस और अन्य नियमों के उल्लंघन की भी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि फायर ब्रिगेड के पास आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए पर्याप्त हाइड्रोलिक क्रेन नहीं थी। इस बिल्डिंग में आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। आग लगने पर लोगों को निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। फायर विभाग ने इसके लिए क्या कोई कार्रवाई की थी, क्या कोई नोटिस जारी किया था? आप देख रहे थे जनमत की पुकार, मैं आरके जायसवाल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।